यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? एग्जाम्स बस कैसे रहे आपके? बहुत बढ़िया बढ़िया, है ना? चलो, 10th A में से टॉपर कौन है क्लास में? किरण ओके, एक ही टॉपर है, मतलब कोई सेकंड टॉपर भी होगा? एनीवन फ्रॉम द बॉयज? खुद भी हैंड रेज कर लो, कौन है टॉपर? सिमिलर सेम फ्रॉम 10th B? 10th B में से कौन है? ना, किरण मैंने उससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना जो टॉपर है, ठीक है? अब हैंड रेज करो। चलो, फॉर्मूला मेकिंग, अभी मैम पूछ रहे थे आपसे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रेज द हैंड्स कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है ना? देखो बेटा, आपने 9th क्लास में 3rd चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में, आपको याद है, आपने क्रिस क्रॉस मेथड एक किया था फॉर्मूलाज बनाने के लिए, वो किस किस को याद है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स 3rd चैप्टर के अंदर एक टेबल था विद वैलेंसेस, किसी को याद है वो टेबल? एनी वन रेज द हैंड जिस जिसको याद है। किसी को भी नहीं याद? अरे, 9th क्लास की है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक तो बेटा है फॉर्मूला मेकिंग, फॉर्मूला मेकिंग, और फिर हमने इसके बेसिस पर इक्वेशंस करनी है। ठीक है बच्चे, वर्कशीट मिल चुकी है सबको? हाँ नहीं मिली? चलो फिर मैं थोड़ा सा कुछ लिखवाती हूँ साथ साथ में, बाद में नोट करना, ठीक है? जैसे मैंने एक इक्वेशन लिखी बेटा, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर गिव्स कॉपर नाइट्रेट प्लस सिल्वर। अब मैंने आपको बोला कि इस इक्वेशन को बैलेंस करो, कैसे बैलेंस करोगे? क्या आप इसको इनके सिंबल्स लिखे बिना इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो? इनके फॉर्मूलाज लिखे बिना, इनके सिंबल्स लिखे बिना इसको केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट, ये तो मैंने लिखे वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन से पहले मुझे किस में आना पड़ेगा? केमिकल इक्वेशन के अंदर। जब तक हम केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे तब तक हम उसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे, एम आई राइट? अब केमिकल इक्वेशन भी लिख दी बट आपने फॉर्मूलाज ही गलत लिख दिया, कॉपर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट के फॉर्मूलाज ही गलत लिख दिए। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। बट अगर आपने फॉर्मूला में लेटर से यहां 2 लगा दिया, आपको आता ही नहीं है, तो ये तो क्रॉस हो गया। अगर इक्वेशन में केमिकल फॉर्मूला रॉन्ग लिख दोगे तो वो इक्वेशन कभी भी बैलेंस नहीं होगी आपकी। तो इसका मतलब ये है, कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए आपको पहले फॉर्मूलाज आने चाहिए। इज दिस क्लियर? फॉर्मूलाज लिखने के लिए क्या आना चाहिए आपको? उनकी वैलेंसीज लर्न होनी चाहिए हर एलिमेंट की। सोडियम की क्या वैलेंसी होती है, क्लोरीन की क्या होती है, ब्रोमीन की क्या है, सिल्वर की क्या है, आयरन की वैलेंसी क्या है, ये सब आपको याद होनी चाहिए। अभी आपके पास वर्कशीट नहीं है, मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ सारी वैलेंसीज, आपने उनको लर्न करना है, ठीक है? वन बाय वन अभी लर्न करोगे इसी क्लास में, ठीक है? मैं लिखवा रही हूँ, आपने अभी लर्न करना है, ठीक है? तो हम यहाँ पर पहले हेडिंग लिखेंगे नेम ऑफ आयन, ठीक है? तो आप पहला स्टार्ट करोगे हाइड्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, ये आप लिख सकते हो बेटा साथ साथ में, लिखना शुरू कर लो साथ साथ में। सिल्वर एंड कॉपर 1, सेकेंड कॉलम आएगा सिंबल हाइड्रोजन का H+, सोडियम Na+, पोटेशियम K+, सिल्वर Ag+,
एंड कॉपर प्लस। लिखो जरा इतना जल्दी से। अच्छा डन? मैम, यस बेटा बोलिए। मैं कॉपर के साथ ये वाण लिखा है, उसका मीनिंग क्या बनता है? अभी बताती हूँ बेटा, अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अभी एक बार नोट कर लो, अभी करते हैं। हाँ जी बच्चे डन, यहां तक हो गया सबका? बेटा इतना नहीं चाहिए बेटा क्लास के अंदर, अपने काम पे कंसंट्रेट करो सभी। जिसको होता जा रहा है वो लर्न करते जाओ, जिसने लिख लिया है। अब थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आएगा हमारा एक एल्यूमिनियम, ठीक है, Al+3 और आयरन। हो गया बच्चे इतना? हाँ जी, एक क्वेश्चन था कि मैंने 1 का, और यहाँ पे भी देखो मैंने 2, 2, 3 लिखा है, इसका क्या मतलब है? बेटा ये हमारी वैलेंसीज कब बनती हैं? जब कोई एलिमेंट या कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करते हैं, ठीक है? जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर प्लस साइन आ जाते हैं। बेटा ध्यान से सुनते जाओ, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी, बट ये चीजें दिमाग में जानी चाहिए, ठीक है? अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो उनके ऊपर प्लस साइन आ जाता है। ये लूज करने की निशानी है कि इन एलिमेंट्स ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। अब कॉपर एंड आयरन, और भी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल का मतलब कॉपर एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकते हैं, और कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी भी है, तो इसलिए ये 2 वैलेंसीज हैं कॉपर की। सिमिलरली आयरन के पास, आयरन 2 इलेक्ट्रॉन्स भी लूज कर सकते हैं, एंड आयरन कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो। ठीक है बच्चे, ये बात समझ आई सबको? तो इसलिए इनकी वैलेंसीज डबल है। अगेन वन मोर थिंग, आयरन की जो लोअर वैलेंसी है, ये 2 क्या है इसकी लोअर वैलेंसी और 3 है इसकी हायर वैलेंसी। लोअर वैलेंसी को हम और क्या बोलते हैं? फेरस। अगर मैं बोलूं फेरस तो इसका मतलब विद वैलेंसी 2, जिस आयरन की वैलेंसी 2 है हम उसकी बात कर रहे हैं।
कई बार आपने अभी पढ़ा है एग्जाम्स के लिए, आपने देखा होगा, लिखा होगा फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, ऐसे लिखा होता है ना। फेरस जहां लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर आयरन की वैलेंसी टू ली जा रही है, और जहां पर फेरिक लिखा है, फेरिक लिखा है, इसका मतलब वहां पर आयरन की वैलेंसी को थ्री लिया गया है। समझ आई ये बात? ठीक है, आयरन की वैलेंसी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल Fe2O3 अगर मैं लिखूं तो इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। अभी पहुंचेंगे इस टॉपिक तक, कैसे लिखा मैंने वो मैं बाद में बताऊंगी। ठीक है, इसको बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका मतलब, फेरिक लिखने का मतलब क्या है, इस आयरन की वैलेंसी को थ्री लिया गया है। ठीक है, इज इट क्लियर? अगर मैंने लिखा FeSO4, इसका नाम होता है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट, इसका मतलब क्या है, यहां आयरन की वैलेंसी को क्या लिया गया है? जस्ट रेज योर हैंड जिस चीज को पता है, यहां पर आयरन की वैलेंसी टू है या थ्री है? आवाज आ रही है मेरी सबको? 10 थे। आ रही है मैम। हाँ तो मुझे बताओ यहाँ पर वैलेंसी क्या ली गई बेटा, आयरन की वैलेंसी टू है या थ्री है? टू है, बोला करो बेटा, बोलोगे तो और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ पाओगे। यहाँ आयरन की वैलेंसी प्लस टू ली गई है, और इस केस में आयरन की वैलेंसी को प्लस थ्री लिया गया है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर फेरिक नेम आया है, और प्लस टू लेने के कारण यहाँ पर फेरस आया है। ये बात सबको क्लियर हुई? क्यों कभी आयरन को फेरिक लिखा जाता है और क्यों आयरन को कभी फेरस लिखा जाता है, ये किस किस को समझ आ गया? तभी हम आगे चलेंगे। आयरन की कहानी समझ आई बेटा? हैंड रेस करो जिसको समझ आ गया है, फटाफट से हैंड रेस किया करो। आगे 10 थे बॉयज, पूरी लेन, पूरी लाइन ऐसी बैठी है। अगर आया समझ बताओ, नहीं आया तो ये भी बताओ कि मैम ये दोबारा रिपीट करो, रिपीट करो। ओके, देखो आयरन दो तरह की वैलेंसी शो करता है, टू भी और थ्री भी। जब वैलेंसी टू होगी उस टाइम आयरन का नेम क्या रहेगा? फेरस। आयरन भी बोला जा सकता है, बट अनदर नेम इसको फेरस भी बोला जा सकता है। अगर वैलेंसी थ्री होगी तब भी इसको आयरन तो बोला ही जा सकता है, बट अनदर नेम उसको फेरिक भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड का क्या मतलब है कि आयरन की वैलेंसी, अगर फेरिक नेम लिखा दिख जाए कहीं पर भी, इसका मतलब वहां आयरन की वैलेंसी को थ्री लिया गया है। और कहीं पर भी आयरन के सिंबल के साथ फेरस लिखा दिख जाए, इसका मतलब आयरन की वैलेंसी वहां क्या ली गई है? यस, टू। ठीक है, वहां आयरन की वैलेंसी को टू लिया गया। ये पार्ट समझ आया सबको? ये लिख लो, ये भी एग्जाम्पल लिखो, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड, FeSO4 फेरस सल्फेट, ये भी नोट करो, और साथ में लिखना कि आई हेयर वैलेंसी ऑफ आयरन इज थ्री एंड यहां पर वैलेंसी आयरन की टू है। आपके 10th क्लास की पूरी केमिस्ट्री, ऑल द फोर चैप्टर्स बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। अब जितना अच्छे से ये फॉर्मूलाज, जितनी अच्छे से ये वैलेंसीज आपको लर्न होगी, उतनी ही अच्छी आपकी केमिस्ट्री हो जाएगी, उतना ही स्ट्रांग हो जाएगी आपकी केमिस्ट्री। क्लियर है? जिसने लिख लिया जल्दी से लर्न करो ये सारी फटाफट से। हाइड्रोजन की वैलेंसी वन का मतलब ये सारे एलिमेंट्स की वैलेंसी वन है, जितने भी व्हाइट में लिखे हैं, ठीक है, सबकी वैलेंसी वन। मैं रैंडमली किसी को भी बुलाकर अभी सुनूंगी दोनों सेक्शंस में से सारी वैलेंसीज। ठीक है, सिमिलरली मैग्नीशियम की प्लस टू, कैल्शियम प्लस टू, जिंक प्लस टू, बेरियम प्लस टू, आयरन टू, यहां लिखा ही हुआ है बट अगर फेरस भी बोला गया तो प्लस टू, कॉपर टू, Cu प्लस टू,
दो ही एलिमेंट है जिनकी +3 है, एल्यूमिनियम +3 और आयरन +3, Fe+3, सॉरी। ऑक्सीजन ठीक है, क्विकली मुझे सभी लर्न करते हुए दिखे। अभी नेगेटिव वाले भी करने हैं हमने। जिसको लर्न हो जाएगा जस्ट रेज द हैंड्स, जिन जिनको लर्न होता जा रहा है। एक 10 थे में से। वेरी सिंपल बेटा, एक तरीका भी आप कर सकते हो याद करने का, आप 3 वाले लर्न करो, सिर्फ 3 में 2 है, 2 वाले लर्न कर लो, 2 या 1 वाले, दो चीजें याद की, जो भी बचा। अब आपको पता है +1 किसकी वैलेंसी है और +3 किसकी वैलेंसी है, तो बाकी कोई भी पूछूंगी तो +2 होगा। समझ आया तरीका? लर्न सारा करना है, बट एक रिकॉल करने के लिए आप इस मेथड को कर सकते हो कि सारे +1 वाले कर लो और +3 वाले कर लो, जो रिमेनिंग बचेगा उनकी +2 है। ठीक है, यस। 10th भी किस किस को लर्न हो गया बेटा? एक एक ही बच्चे को लर्न हुआ है। यस गर्ल्स फ्रॉम 10th भी, कोई भी नहीं है? चलो गिविंग यू 2 मोर मिनट्स। अब तो इजी कर दिया मैंने और भी। Yes, तो किस किस को लर्न हो गया? 10th A, 10th B। ये 10th A में 2nd बेंच के ऊपर जो 4 बॉयज बैठे हैं, ठीक है, इनमें से आओ जरा मिडल में से। हाँ जी बेटा, आप ही आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, आ जाओ। पानी पूनी पी लिया अच्छे से? क्या और पीना है? पानी पीना है और? सारी वैलेंसीज आप ही सुनाओगे? आप हेल्प नहीं लेनी किसी से? ठीक है, चलिए मैम मुझे बताइए जरा, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है? 2 2। गुड। सिल्वर की? 1 1। एल्यूमिनियम? 3। 3 सोडियम? 1 1। वेरी गुड। कॉपर? कॉपर, चलो कॉपर की सारी बताओ। 1
वन एंड टू, आयरन की, आयरन की टू एंड थ्री, फेरस आयरन थ्री का और क्या बोलेंगे हम? एंड फेरिक, आयरन थ्री को बोला, आयरन थ्री को पूछा मैंने, क्या बोलोगे? फेरिक। वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। यस, फ्रॉम 10th बी, मिडल रो बॉयज वाली में से थर्ड बेंच पे आओ कोई एक स्टूडेंट बेटा। जिंक चलिए मुझे बताइए, जिंक। टू, टू, बेरियम, टू एल्यूमिनियम। थ्री थ्री, पोटेशियम। वन वन, हाइड्रोजन। वन वन, वन, वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। यस, 10th बी गर्ल्स, सेकेंड बेंच से आओ बेटा कोई, फर्स्ट रो। हाँ जी, आ जाओ बेटा, आप ही आ जाओ। हाँ जी, कैल्शियम प्लस प्लस टू, सिल्वर। पीछे प्लस से नहीं बोलना बेटा किसी ने, ठीक है? बोलो मत, उसको सोचने दो अपने आप से। आयरन की वैलेंसीज बताइए बेटा क्या होती है? थ्री थ्री इज फेरिक वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। ये सबको समझ आ गया? कोई स्टूडेंट बेटा किसी को अभी भी डाउट है बेटा, ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी केमिस्ट्री संभल जाएगी बहुत हद तक अगर ये चीजें समझ आ गई, ठीक है? तो बेसिक आना बहुत जरूरी है। अगर BaCl2 की जगह BaCl लिख दोगे तो होल इक्वेशन इज मार्क्ड रॉन्ग, सारी मेहनत गई पानी में, इक्वेशन भी याद की, रिएक्शन याद किया, सब कुछ किया, टाइम लगाया, BaCl2 लिखना था और BaCl लिख दिया, इट इज मार्क्ड रॉन्ग, कोई बेनिफिट नहीं फिर, ठीक है? चलो अब हम करते हैं नेगेटिव वाले, जिनकी वैलेंसीज नेगेटिव होती है, ठीक है जी? चलिए इसमें सबसे पहले वही हेडिंग डाल लो, नेम ऑफ आयन। तो यहां पर पहले आप लिखो हाइड्राइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, ठीक है? फिर बेटा बातें नहीं, लिखिए ऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, ये थोड़े ही है, ये ज्यादा नहीं है, सल्फाइड और फिफ्थ वे, थ्री वैलेंसी वाली, यहां पर आएगा अकेला नाइट्राइड, ठीक है? हाइड्राइड का हो गया एच नेगेटिव, ब्रोमाइड हो गया बी आर नेगेटिव, आयोडाइड आई नेगेटिव, क्लोराइड सी एल नेगेटिव, ऑक्साइड का बनेगा टू नेगेटिव, एस टू नेगेटिव, एंड नाइट्राइड आपका आ जाएगा एन थ्री नेगेटिव। ये इतने ही करने आपने लाने, होते तो बहुत ज्यादा है और भी एलिमेंट्स होते हैं, बट हम इतने से स्टार्ट करेंगे। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए।
ये करना है बेटा, पहले नोट, इसको नोट करो और इसको लर्न करो। मैं अभी समझाती हूँ इसमें क्या चेंजेस हैं। ये नोट हो गया तो जस्ट रेज योर हैंड। हाँ जी बच्चे, अब एक चीज नोट करो, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी हमने माइनस में लिखी है, ठीक है, सबके साथ देखो क्या आ गया है, आइड वर्ड लग गया, ठीक है, सबके साथ। हाइड्रोजन से बन गया हाइड्राइड, ब्रोमीन से बन गया ब्रोमाइड। वैसे Br जो है, Br ये सिंबल ब्रोमीन का है, बट अगर इसको आयनिक फॉर्म में लिखेंगे नेगेटिव साइन के साथ, ये नेगेटिव साइन का क्या मतलब है कि इन एलिमेंट्स ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया है। दीज एलिमेंट हैज गेन इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर सिंगल नेगेटिव साइन है उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिनके ऊपर टू नेगेटिव है इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, एंड विथ थ्री नेगेटिव इन्होंने क्या किया, दे हैव गेन थ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी गेन्ड आर थ्री, इससे ज्यादा गेन नहीं हो सकते, ठीक है जी। सो यू कैन सी एवरी एलिमेंट नेम इज चेंज, ब्रोमीन टर्न्स टू ब्रोमाइड, आयोडीन टू आयोडाइड, क्लोरीन टू क्लोराइड, ऑक्सीजन टू ऑक्साइड, सल्फर टर्न्स टू सल्फाइड एंड नाइट्रोजन टू नाइट्राइड व्हेन द वैलेंसी इज नेगेटिव। इज दिस क्लियर, सबको समझ आया? जल्दी से, ये 2 मिनट में लर्न हो जाएगा, ये तो बहुत थोड़े एलिमेंट्स हैं, फटाफट से लर्न करो इनको। जिनको लर्न हो जाएगा बेटा ये लिख लेना साथ साथ में, पहले लर्न करना है फिर लिखना है। ये भी आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, जस्ट लर्न फॉर टू एंड थ्री, बाकी सबकी वन है, ठीक है। रिवाइज कर लो, पढ़ लो किस किस की वन है, बट आप याद रख सकते हो इसी तरीके से। गो फॉर टू एंड थ्री, तीन ही तो है, बाकी सबकी प्लस वन, सॉरी माइनस वन, सिंपल है ना। चलिए, आई थिंक लर्न हो गया होगा अब तक आपको। अब भी हम आते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस पे। पॉलीएटॉमिक आयंस को जैसे आपके वर्कशीट में लिखा हुआ है, थोड़ा सा चेंज करके लिखवा रही हूँ ताकि आपको फॉर्मूला मेकिंग में दिक्कत ना आए। अमोनिया, अमोनिया का बेटा आपने सिंबल लिखना है बस NH4। हाइड्रोक्साइड OH, लिखने में हाइड्रो पहले आ रहा है, ऑक्साइड बाद में, बट इसके फॉर्मूला में ऑक्सीजन पहले है, हाइड्रोजन बाद में है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड
नाइट्रेट NO3, हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3, कार्बोनेट अकेला CO3। ठीक है, कार्बोनेट का CO3, सल्फाइड SO2, सल्फेट SO4, फॉस्फेट, हाँ जी फॉस्फेट PO। किसके फोर्थ इसके पास वर्कशीट है? यस इट्स PO4। ये भी गलत आ गया, इसको SO3 कर लो। ठीक है जी, अब बेटा इनकी वैलेंसी लिखनी है आपने सबने अलग से, और इन सब एलिमेंट्स को आपने ऐसे लिखना है ब्रैकेट्स के साथ, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट्स के साथ लिखना है सभी एलिमेंट्स को। ये ब्रैकेट्स के साथ ही लिखने हैं और ऐसे ही लर्न करने हैं, बिना ब्रैकेट्स के लर्न नहीं करने। जितने भी पॉलीएटॉमिक आयन्स हैं यू हैव टू लर्न विद देम ब्रैकेट्स। उसके बाद हमने इनकी लिखनी है वैलेंसी। पॉलीएटॉमिक आयन में सिर्फ अमोनिया एक ऐसा पॉलीएटॉमिक आयन है जिसकी वैलेंसी पॉजिटिव है। और भी होते हैं, मैं अभी इस टेबल की बात कर रही हूँ, और भी होते हैं, हम इस टेबल तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोक्साइड की -1, नाइट्रेट -1, हाइड्रोजन कार्बोनेट -1, इनकी वैलेंसी ऐसे लर्न करोगे बेटा। उसके बाद कार्बोनेट की आती है -2, सल्फाइड की -2, सल्फेट की -2, फॉस्फेट की -3। लिख लो बेटा, कॉपी में लिखना है सबने। ठीक है वर्कशीट में है, बट ये कॉपी में लिखना है सबने। अपने हाथ से लिखोगे तो याद रहेंगी चीजें कैसे लिखी थी। कंप्लीट करो बेटा जल्दी से। ये शिवांग राणा फ्रॉम 10th A, आइए जरा। कौन है शिवांग? एब्सेंट। एब्सेंट, ओके। जिया शर्मा, हाँ जी हाँ जी जिया। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है बेटा? 2 मिनट के लिए मैं हाइड कर रही हूँ। ऑक्साइड की वैलेंसी कितनी है? -2। गुड। ब्रोमाइड, ब्रोमाइड -1। -2 में याद करो कौन कौन थे, बस दो ही तो एलिमेंट्स है -2 के, कौन कौन से थे दोनों? सल्फाइड हाँ ऑक्साइड। -3 वैलेंसी के साथ कौन सा एलिमेंट है? -2। नहीं, मैंने पूछा जिस एलिमेंट की वैलेंसी -3 है उस एलिमेंट का नाम बताओ, उस आयन का नाम बताओ। मैंने क्वेश्चन टर्न कर दिया, ट्विस्ट कर दिया थोड़ा। -3 वैलेंसी किस एलिमेंट की है या किस आयन की है? टेबल पे चलो, सोचो जरा -3 कहाँ लिखा था। लास्ट में ही होगा, लास्ट में क्या था? नहीं, राइट नाइट्राइड। बेटा हेल्प नहीं करनी किसी ने, बिल्कुल भी हेल्प नहीं करनी, नाइट्राइड। ठीक है, क्या सिंबल होता है नाइट्राइड का, कैसे माइनस लिखोगे?
-3 तो वैलेंसी है ना, पूरा सिंबल बोलो कैसे लिखोगे? दोबारा से बोलो। नाइट्रेट N3 माइनस N3-, गुड। चलिए गो बैक टू योर सीट, कंप्लीट कर लो बेटा जल्दी से, अभी आनी है, सबकी टर्न आएगी आज, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, यही करना है हमने आज काम। हो गया बेटा, ये नोट हो गया, पॉलीटॉमिक आयंस भी नोट हो गए सबके। अब चलिए, अभी सिर्फ आपने पॉलीएटॉमिक आयंस में जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी -2 है, जिन एलिमेंट्स की वैलेंसी -2 है वो लर्न करनी है, दैट्स इट, अभी और कुछ नहीं करना, सिर्फ जिनकी वैलेंसी -2, ये पिंक वाले तीनों याद करो जरा जल्दी से, तीन तो लर्न हो जाएंगे ना, सारा तो बहुत बड़ा लग रहा होगा, तीन लर्न करो। कार्बोनेट का सिंबल भी आना चाहिए CO3, सल्फाइट एंड सल्फेट। एक चीज ध्यान देना बेटा, हमारे पास सल्फाइड भी है, सल्फाइट भी है और सल्फेट भी है, ठीक है? तो बी वेरी केयरफुल जब आप इनको लर्न करोगे कि आइड दिया गया है, आइट दिया गया है या एट दिया गया है। सल्फाइड, सल्फाइट एंड सल्फेट। सल्फाइड S2 नेगेटिव, सल्फाइट देखो है वैलेंसी तीनों की -2, यहां पे भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, तीनों की ही वैलेंसी -2 है, बस इनके सिंबल्स में फर्क है, SO3 SO4 और वहां पर S, ठीक है? तो इस तरीके से थोड़ा कंपेयर करके लर्न करोगे तो माइंड में रहेंगी चीजें। क्लियर हुआ बेटा ये? जल्दी से ये तीनों किस किस को लर्न हो गई -2 वाली, जस्ट रेज योर हैंड। यस, फ्रॉम 10th थे अवनीत। एम यस अवनी, हाँ जी बेटा, -2 वैलेंसी वाले तीनों पॉलीएटॉमिक आयंस बताओ मुझे, कौन कौन से हैं? कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइट सल्फाइड का फॉर्मूला क्या है बेटा? SO3 SO3। ओके, कार्बोनेट का क्या है? CO3 वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट। यस, फ्रॉम 10th बी मनजोत। एंड इसके बाद 10th बी से अंकित, गेट रेडी। हाँ जी बेटा, -2 वैलेंसी वाले एलिमेंट्स बताइए, पॉलीएटॉमिक आयन, सॉरी एलिमेंट्स नहीं, दे आर द पॉलीएटॉमिक आयन। कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइट सल्फेट हाँ, तो सिंबल बोलो तीनों के। CO3 कार्बोनेट CO3 किसका है? हाँ, वेरी गुड, आगे बोलो। SO3 सल्फाइड SO4 सल्फेट वेरी गुड, शाबाश, गो बैक टू योर सीट। हाँ जी अंकित, आ जाइए बेटा, ये आप पहले भी आ चुके ना, आप रहने दीजिए, आप रहने दो, आप आ चुके ना पहले। जसनूर, बैठा ये एब्सेंट वालों का तो लॉस हो गया आज अच्छा खासा। श्वेता, प्रेजेंट वो भी एब्सेंट, प्रेजेंट, तो कहां पर है, बुलाओ उसको आगे। हाँ जी श्वेता जी, सल्फाइड का मुझे बताइए सिंबल क्या है और उसकी वैलेंसी क्या है? SO4 देखो सल्फाइड, IDE, मैं बोल रही हूँ सल्फाइड, एस देखना नहीं पूछना नहीं बेटा, आपका लॉस है पूछोगे तो। सल्फाइड वैलेंसी क्या है इसके और सिंबल क्या है? एवरीवन एस बी अटेंटिव बेटा, 10th है गर्ल्स, -2
S-2, शाबाश, वेरी गुड। ऑक्साइड का बताइए जरा मुझे, ऑक्साइड का क्या है? माइनस, आगे -2, सिंबल क्या है बेटा? O2। ओ -2, -2 भी लिख सकते हो, 2- भी लिख सकते हो, दोनों का एक ही मतलब है, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, कहीं लिखना पड़ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, माइनस पहले लिखना के बाद में। हाँ जी बेटा, ब्रोमाइड की बताइए जरा। BR। बेटा पीछे से मुझे विस्परिंग आ रही है बताने की, पता नहीं बता रहे हो कि नहीं। Br-1 मैंने खुद ही लिख दिया। चलो क्लोराइड की बताइए। CL हाँ वैलेंसी बोलो। माइनस -2, -3 वाले निकाल दो पहले दिमाग में से। -2 किसका था, -3 किसका था, वो छोड़ दो। क्या ये -2 और -3 में से आता है क्लोराइड, ये याद करो। -1। -1, -2 या -3 में नहीं आता ये, तो इसकी -1। ठीक है, हाइड्राइड की बताइए। एच, आगे एच, -1। एच -1, ओके। हाइड्रोजन की बताइए। H+1। H+1, वेरी गुड, गो बैक टू योर सीट बेटा, एक्सीलेंट। ठीक है बच्चे, अब -2 वैलेंसी वाले पॉलीएटॉमिक आयंस आई थिंक सबको लर्न हो गए। कोई है ऐसा जिसको अभी भी लर्न नहीं हुए? -3 वाला पॉलीएटॉमिक आयन बताइए कौन सा है। PO4, फॉस्फेट, PO4। बेटा इनके सिंबल्स भी आने बहुत जरूरी हैं आपको। ठीक है, एक ही है -3 के साथ फॉस्फेट, या -2 है या -1 वैलेंसी के साथ पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? +1 वैलेंसी के साथ पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है? अमोनिया। ठीक है, ये याद रखना है, ये आएगा एसिड बेस में यूज होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनिया लिख दिया मैंने, सॉरी, इसको अमोनियम लिखो। अमोनियम कर दो इसको, इट इज अमोनियम। ठीक है, बेस हमने आपने सेकेंड चैप्टर में एसिड बेस में एक नेम पढ़ा होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये देखो, इन दोनों को मिलाकर बना अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ वीक बेस होता है या स्ट्रॉन्ग बेस होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड? यस, इट्स अ वीक बेस, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो यही से बना। इज दिस क्लियर? अब देखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का कोई फॉर्मूला पूछ ले, आपने तो लर्न नहीं किया, बट आपको ये टेबल लर्न है, तो यू कैन इजिली क्रिएट द फॉर्मूला। चले अब फॉर्मूलाज के ऊपर बेटा, एक चीज देख लो, अमोनियम का सिंबल इज NH4, हाइड्रोक्साइड इज OH, नाइट्रेट इज NO3, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो कार्बोनेट का तो सेम ही है CO3, हाइड्रोजन के साथ एच आ गया। इतना क्लियर हो गया सबको? ये टेबल किस किस को समझ आ गया बेटा? पहले जिसको बिल्कुल भी नहीं आता था और अब थोड़ा बहुत आता है, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं? ओके, फ्रॉम 10th B वेरी लेस हैंड्स आर रेज्ड। 10th B में समझ नहीं आया किसी को? यस, 10th B, ओके गुड। गर्ल्स को ही आया 10th B की, बॉयज को नहीं समझ आया। चलिए अब आप अपने क्वेश्चन नंबर 11th पर आइए बेटा। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ फॉलोविंग, क्वेश्चन नंबर 11th। मैं आपको कुछ फॉर्मूला ही समझाऊंगी, बाकी सब आपने लिखने हैं। जैसे कि फर्स्ट है सोडियम क्लोराइड, इज दिस क्लियर? अब देखो करना क्या है, वैसे तो धीरे धीरे ना अब आपको ऑरली आ जाएंगे, अभी बिगनिंग के लिए, स्टार्टिंग के लिए जिनको बिल्कुल भी नहीं आता उनके लिए बता रही हूँ 9th वाला मेथड। सोडियम का सिंबल होता है बेटा Na,
एंड क्लोराइड का भी हमने किया Cl। अब हम दोनों की वैलेंसी लिख सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी होती है +1 और क्लोराइड की होती है -1। आप अपना टेबल निकाल के रख सकते हो बेटा, टॉप वाला सामने रख सकते हो फिलहाल, ताकि फॉर्मूला समझ आ जाए अच्छे से कैसे करनी। आप यहाँ से वैलेंसीज अभी कॉपी कर सकते हो, जिनको आती है वो सोच के करो, नहीं आती वो हेल्प ले लो, ठीक है। अब देखो, ये प्लस और माइनस का मुझे फॉर्मूला मेकिंग में जरूरत नहीं है। इनकी नीड सिर्फ क्यों है कि प्लस वाला पहले लिखा जाएगा और माइनस वाला बाद में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आई कैन रिमूव दिस, सिर्फ यहाँ पर 1 और 1 लिखा जा सकते हैं। अब इनको क्रॉस कर दो ऐसे, ये वाला 1 यहां आ गया और ये वाला 1 यहां आ गया। ये क्या बना? Na1Cl1। बट क्या मुझे 1 की नीड है? इसको हम सिंपली NaCl लिख सकते हैं, 1 को हम हटा सकते हैं, ठीक है बच्चे। दो तीन समझ लो फिर नोट करना। सेकंड हमारा है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम अगेन सिंबल लिखना है पहले आपने दोनों का, ऑक्साइड इज O। उसके बाद आपने सोडियम की वैलेंसी +1 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 यही की थी। सोडियम +1 होता है और ऑक्सीजन या ऑक्साइड -2 होता है। अब इनको क्रॉस कर दो, ये 2 आ जाएगा यहां पर, इसको क्रॉस कर दो, ये +1 आ जाएगा। सॉरी, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये 1 आ जाएगा यहां पर। तो ये क्या बना? देखो Na2O बन गया सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर हुआ बेटा ये? कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मैंने ले लिया बेरियम क्लोराइड, बेरियम इज Ba, क्लोराइड इज Cl। हाँ जी, बेरियम की वैलेंसी कितनी होती है? व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ बेरियम? यस, इसमें नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं है, मैंने लिखवाई थी। जिन्होंने नोट किया कॉपी में देखो, बेरियम इज +2। यस, एंड क्लोराइड, क्लोराइड इज Cl, इसकी वैलेंसी -1, ठीक है। कर दो क्रॉस, तो ये 1 यहां आ गया, 2 यहां आ गया, तो फॉर्मूला मिल गया हमें BaCl2। तो अगर BaCl लिखोगे तो इट विल बी रॉन्ग, ठीक है जी। किस किस को ये बात समझ आ गई? ये तो देखो 9th की रेपिटेशन चल रही है, अभी तक तो 10th भी नहीं स्टार्ट की हमने, सारा 9th का काम है ये, ठीक है। ये समझ आया BaCl2? कौन कौन अब ये फॉर्मूलाज लिख सकते हैं? एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, वो भी समझा दूं मैं आपको। मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है जी। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, ऑक्साइड का सिंबल इज O। हाँ जी, लिखो जरा इनकी वैलेंसीज क्या क्या होती है। मैग्नी +2 और -2। अब क्या करें हम, दोनों के सेम नंबर आ गया, ये क्रॉस करेंगे। हाँ जी, यहां पर 2 और यहां पर भी 2, तो ये क्या बना? Mg2O2। अगर सेम नंबर है तो उसको हम काट सकते हैं, वी कैन कट, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? MgO। हम लीव कर देते हैं, अगर सेम वैलेंसी होती है +2 और -2 एक दूसरे को रिजेक्ट कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा? सिर्फ MgO। तो किसी भी फॉर्मूला में ऐसी सिचुएशन आती है तो वो सेम नंबर आप
कट कर सकते हैं, राइट? क्लियर हुआ? ये किस किस को समझ आया, मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला? ओके, अगर हाँ जी बेटा बोलिए। दोनों पॉजिटिव हो, जैसे +2 +2 हो, तब भी कटोगे? बनेगा ही नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं बनेगा, मेटल मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करती, दोनों प्लस आपस में होंगे तो रिएक्ट नहीं करेंगे। ये जितने भी हम फॉर्मूला करें, एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन से ही फॉर्मूलाज बनेंगे सभी। इज दिस क्लियर? चलिए मुझे इसके फर्स्ट रो के सारे एग्जांपल्स लिखकर दिखाओ जरा, जितने भी हैं। नेम सोडियम क्लोराइड हमने कर लिया, सोडियम ऑक्साइड कर लिया, ये सभी लिखो जरा, फिर मैं बुला के किसी को पूछूंगी सब जल्दी से। फिलहाल आप वेलेंसीज की हेल्प ले सकते हो, सो देट आपके फॉर्मूलाज एटलीस्ट आप राइट लिखना सीखो, बट वेलेंसीज आपको ऑरली याद होनी चाहिए। बिल्कुल रैंडमली कोई पूछ ले सिल्वर की वेलेंसी, हाँ जी किस किस को आती है सिल्वर की वेलेंसी? +1, ठीक है, फटाफट से आनी चाहिए। अपना अपना कोशिश करना बेटा लिखने की, किसी का कॉपी मत करना, आपका ही नुकसान है, ठीक है? आपको खुद को पता लगना चाहिए कि फॉर्मूला गलत भी लिखा है तो कहाँ गलती हुई है। कॉपी पे करना, इस तरीके से कर लो कॉपी के ऊपर, ठीक है, ताकि वैलेंसीज याद हो जाएं। जिनको डायरेक्ट आते हैं, डायरेक्ट लिखना चाहते हो लिख सकते हो, बट जिनको नहीं आते वो इसी तरीके से करना, इस मेथड से जो मैंने बोर्ड पे किए। यस, 10th पे फर्स्ट बेंच पे जो बॉय बैठा है, बच्चे कर लो जल्दी से। यस, किसी ने को डाउट पूछना है, कुछ पूछना है तो बेटा माइक के पास आकर पूछ सकते हो, कंफ्यूज होके नहीं बैठे रहना। किसी ने कुछ भी पूछना है तो आ जाओ माइक के पास। हाँ जी बेटा हो गया।
यस 10th बी आरुष, आइए बेटा। एंड आफ्टर दैट 10th है से इशप्रीत, गेट रेडी। हाँ जी आरुष बेटा बताइए जरा, फर्स्ट टू तो हमने कर लिए थे, सोडियम क्लोराइड इज NaCl, सोडियम ऑक्साइड इज Na2O, सोडियम नाइट्राइड का बताइए क्या फॉर्मूला होगा। शीट ले आओ अपनी, जहां पर किया है काम किया वो उठाकर लाओ। काम किया नहीं? हाँ जी किया नहीं बेटा काम? लेकर आओ, कहीं तो फॉर्मूलाज लिखे होंगे, लेकर आओ। हाँ बोलो जरा जल्दी से क्या क्या लिखा है, एक सीक्वेंस में बोलो सारे फॉर्मूला। सोडियम नाइट्राइड इज NA2 Na2। नाइट्राइड कहाँ गया इसमें? NA3O Na3, Na3N, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है। आगे बोलो, पोटेशियम ब्रोमाइड, साइलेंस यस किया नहीं बेटा आपने काम? क्यों नहीं किया बेटा, कितनी देर से दे रखा है मैंने काम आपको? क्लोराइड देखो पोटेशियम ब्रोमाइड किस किसने किया है? पोटेशियम ब्रोमाइड, एबीआर यस पोटेशियम ब्रोमाइड, सिंपल बेटा, पोटेशियम का सिंबल के एंड ब्रोमाइड इज Br। देखो जिसने नहीं किया, पोटेशियम का सिंबल के, इसकी वैलेंसी 1 और इसकी वैलेंसी -1, तो क्रॉस करोगे तो क्या मिलेगा? 1 1, तो ये बना KBr। सब वैलेंसीज, वैलेंसीज याद करो बेटा, वैलेंसीज, ठीक है, लर्न द वैलेंसीज, ये तो सब हो जाएंगे वैलेंसी लर्न कर ली तो। आगे बोलो, आगे क्या है? पोटेशियम ऑक्साइड, आरुष चलो बोलो, पोटेशियम का सिंबल बोलो क्या होता है, बोलो ओके के। ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? प्लस ओ, ठीक है। पोटेशियम की वैलेंसी बोलो क्या होती है? प्लस वन 1। ऑक्साइड की क्या होती है? -2 -2। देखकर बोलो, देखकर बोल दो, फिलहाल -2। बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा अभी? ये K2O वेरी गुड, शाबाश, यही तो है बस, और क्या है इसमें? K2O। मैग्नीशियम क्लोराइड बताओ जरा क्या फॉर्मूला बनेगा बेटा? जिनको नहीं आता इसीलिए बोर्ड पे ऐसे लिख रही हूं, जिन्होंने नहीं किया, नहीं आता कोई बात नहीं, काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पहली बार ही कर रहे होंगे, बट ध्यान से समझ लो, ठीक है। हाँ जी बेटा बोलिए जरा, मैग्नीशियम क्लोराइड, शाबाश, MgCl2 वेरी गुड, लिखते जाओ बेटा सब, जिसकी रॉन्ग है ठीक करते जाओ। MgCl2। कैल्शियम क्लोराइड का बोलिए बेटा, MCACL2 वेरी गुड, चलिए गो बैक टू योर सीट। समझ आ गया ना क्या करना है? बैठ के आगे के क्वेश्चंस करो। हाँ जी इशप्रीत फ्रॉम 10th है, आइए जरा। आ गए, चलिए जिंक नाइट्राइड बताइए जरा क्या फॉर्मूला बनेगा? Zn3N2 Zn3N2, शाबाश। आगे चलिए जिंक आयोडाइड, Zn2 Zn जिंक आयोडाइड, Zn
आई I2, ओके। आगे चलिए, जिंक ऑक्साइड। बेटा जिसको डाउट है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, जस्ट रेज योर हैंड्स। मैं अभी फिलहाल ये मानकर चल रही हूँ सबको समझ आ रहा है। किसी को नहीं पता चला कि ZnI2 कैसे लिखा, जस्ट रेज योर हैंड्स। यू आर मोस्ट वेलकम। आओ और डाउट पूछो। ऐसे बेटा मुझे नहीं पता लगेगा ना, बैठे रहोगे किसको डाउट है किसको नहीं। जस्ट कम इन फ्रंट ऑफ द माइक बेटा, ठीक है। ZnI2, आगे चलिए बेटा, जिंक ऑक्साइड। बेटा हेल्प नहीं लेनी बिल्कुल भी। मैम ZnO ZnO क्यों बना बेटा? ZnO क्यों बना? जिंक की वजह से टू होती है। ZnO जिंक की वैलेंसी कितनी होती है बोलो? ZnO ZN2, ओके। अच्छा कोई ZnO और? ZNO तो लिख दिया, ये भी लिख दूं एक ZNO2, ये भी लिख दूं? जिंक के बेटा, जिंक की वैलेंसी बताओ क्या होती है इश्प्रीत। बाकी मुझे किसी की आवाज ना आए बेटा, सिर्फ इश्प्रीत की आवाज आनी चाहिए और कोई नहीं बोलेगा दोनों सेक्शंस में से। हाँ जी इश्प्रीत बताइए, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है? देखकर बोलो, शीट में देखो जरा जल्दी से। प्लस +2। ऑक्साइड की कितनी होती है? तो +2 और -2 कैंसिल नहीं हो जाएगा देखा है ना? तो क्या बचेगा? सिर्फ यही बचेगा, Zn की +2, ऑक्साइड की -2, तो ये कैंसिल, 1 1 ही बचेगा। तो ये नहीं है और ये भी नहीं है, सिर्फ ZnO है। तुम के बोला भूल देते हो फॉर्मूलास। चलो आगे चलो, बेरियम क्लोराइड का बताओ। BaCl2 BaCl2, आयरन टू ऑक्साइड। देखो ब्रैकेट में नाम लिखा है मैंने साथ में फेरस ऑक्साइड। दोनों तरीके से आ सकता है, आयरन ऑक्साइड भी और फेरस ऑक्साइड भी। बताओ जरा क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो बेटा इसका फॉर्मूला किस किस को आता है, रेज योर हैंड्स। फेरस ऑक्साइड का फॉर्मूला, ओके, वेरी गुड। देखो फेरस मतलब आयरन, आयरन Fe। फेरस लिखा है तो कौन सी वैलेंसी लेनी है आयरन की? दो वैलेंसीज हैं, +2 एंड +3। कौन सी वैलेंसी आएगी यहां पर? यस बोलो, टू वाली आएगी। श्रित गो बैक टू सीट बेटा। +2 एंड ऑक्साइड की बोलो, -2 -2, तो ये क्या कैंसिल नहीं हो जाएंगे? +2 और -2 विल कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा? जब ये क्रॉस करेंगे तो ये यहां भी टू, यहां भी टू, पर ये प्लस माइनस थे तो ये एफ ई ओ बचेगा। आया बेटा समझ? जब सेम नंबर होगा तो क्या हो जाएगा? कैंसल, FeO, ठीक है। इसके नीचे देखो दिया गया फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। फेरिक का क्या मतलब है? द आयरन विथ वैलेंसी, आयरन विथ वैलेंसी +3। सिंबल इज Fe, ऑक्साइड इज O, आयरन की वैलेंसी इज +3, ऑक्साइड की वैलेंसी इज -2। अब करो जरा क्रॉस, तो ये आ गया 2 और यहां पर गया 3। तो क्या फॉर्मूला बना? Fe2O3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, बहुत जगह यूज आते हैं। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, बहुत जगह जगह आएगा।
ठीक है, तो ये फॉर्मूला गलत नहीं होने चाहिए। हाँ जी, टेंथ बी, अभी टेंथ बी से बुलाया था ना। चलो टेंथ ए, तन्वीर, वर्क आ जाओ बेटा, आ जाओ। हाँ जी बच्चे, बेटा आयरन थ्री ऑक्साइड तक सबने लिख लिए फॉर्मूलास, सबकी कॉपी में हो चुके हैं, सबकी नोटबुक में हो गए, सबने नोट कर लिया। चलिए, हाँ जी तन्वीर, एल्युमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए बेटा। माइक एल, माइक की तरफ हो जाओ बेटा। CL3 वेरी गुड, AlCl3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन की वैलेंसी, क्लोराइड की वैलेंसी 1 है। ऑपोजिट जाकर वैलेंसीज अटैच होती हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम और क्लोराइड, +3 -1, यहां पर 3 आएगा और यहां 1 आएगा, तो AlCl3। ठीक है, ये वाला जो नंबर है वो एल्यूमिनियम के लिए है, एल्यूमिनियम के साथ जो 1 है वो क्लोराइड के लिए है, ऑपोजिट। आगे चलो, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलिए बेटा। वेरी Al2O3 गुड, Al2O3। अगेन एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3, ऑक्साइड की वैलेंसी -2, क्रॉस करो यहाँ 2 लग जाएगा, यहाँ 3, तो ये क्या बन गया, Al2O3। ठीक है, मैं साथ साथ में सॉल्व कर रही हूँ, जिनको नहीं समझ आ रहा अभी भी वो देखो कैसे हो रहा है। ठीक है जी, आगे चलिए बेटा, कॉपर 1 सल्फाइड Cu2S Cu2S, कॉपर 1, 1 का मतलब +1 वैलेंसी और सल्फाइड मतलब S, -2, क्रॉस कर दो तो ये क्या बना, Cu2S। ऐसे कॉपर 2 सल्फाइड, सल्फाइड नहीं है बेटा अभी, सल्फाइड ही होगा ये, इसको करेक्ट करो। कॉपर 2 ITE नहीं है, IDE है, इसको ठीक कर लो। कॉपर 2 सल्फाइड क्या बनेगा फॉर्मूला, सल्फाइड यस तन्वीर, CU2SO नहीं, बेटा अब तो मैंने सल्फाइड करवा दिया ना, कॉपर सल्फाइड करवा दिया मैंने, कॉपर की वैलेंसी +2, सल्फाइड की वैलेंसी -2, कट गया प्लस और प्लस टू एंड माइनस टू वैनिश, तो ये सिर्फ क्या बचा, CuS। ठीक है, इसको लिख लो। ठीक है बच्चे, यहां तक किस किस को समझ आ गया फॉर्मूला राइटिंग, ऑनेस्टली किस किस को एकदम से क्लियर हो गया। वैलेंसी तो देखो बच्चे लर्न रखनी पड़ेंगी और करनी पड़ेंगी। यस टेंथ है, टेंथ भी, जस्ट रेज योर हैंड बच्चे, सो दैट मैं नेक्स्ट टॉपिक पे चलूं। किस किस को यहां तक क्लियर हो गया है, वेरी गुड, शाबाश। ठीक है बच्चे, अब देखो नीचे एक टॉपिक है, इसी के नीचे पॉली एटॉमिक आयंस, पॉली एटॉमिक आयंस, जिसमें पहला, अब यहां पर ब्रैकेट का यूज करना है आपने, ब्रैकेट के बिना काम नहीं करना पॉली एटॉमिक आयंस में। फर्स्ट है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। अब देखो सोडियम का सिंबल इज Na, सल्फेट का सिंबल फटाफट से किस किस को याद है क्या था सल्फेट, SO4 SO4, SO4 keep it in bracket। अब इनकी वैलेंसी लिखिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी थी बेटा, +1 एंड सल्फेट इज -2, यही लिखा है वैलेंसी, चेक करो जरा।
मेथड क्रॉस कर दीजिए, टू यहां आ जाएगा, वन यहां, ब्रैकेट के बाहर लिखना है वन, यही पर्पस है ब्रैकेट का। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, Na2SO4। सिर्फ वन के केस में हम ब्रैकेट को रिमूव कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा ना एलिमेंट्स के नेम में ब्रैकेट्स डली हुई होती हैं, देखा है ना, वो यही कारण होता है। अभी समझाती हूं आप, एक और लिखो। लिखो जरा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट। चलिए, मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg। ध्यान से पहले बोर्ड पर देखो बेटा, लुक एट द बोर्ड, फिर नोट करना। मैग्नीशियम का सिंबल इज Mg, नाइट्रेट इज NO3, कीप इट इन ब्रैकेट। समझ आ गया? नाउ पुट द वैलेंसीज। मैग्नीशियम हैज अ वैलेंसी ऑफ +2, नाइट्रेट, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रेट, -1। -1। सिर्फ +2 एंड 3 वाले याद रखो, पॉलीएटॉमिक आयंस में से अगर उनमें से कोई नहीं है तो प्लस -1 होगी, और एक अमोनियम की +1 होती है, एक ही है प्लस वाला पॉलीएटॉमिक आयन में, ठीक है। सो नाइट्रेट इज -1, क्रॉसिंग कर दीजिए बेटा, वन यहां आ गया एंड टू ब्रैकेट के बाहर, बिना ब्रैकेट के नहीं लिखना है। अगेन रिपीटिंग, डू नॉट राइट द पॉलीएटॉमिक आयन्स विदाउट ब्रैकेट, फॉर्मूला विल बिकम रॉन्ग, ठीक है। सो ये क्या बना देखो बेटा, एम जी, नाउ द ब्रैकेट विल रिमेन इंटैक्ट एंड पुट द टू आउटसाइड द ब्रैकेट। सो दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है बच्चे। एक और एग्जांपल लेते हैं, एल्यूमिनियम। मुझे पता नहीं बेटा उसमें है कि नहीं, मैं लिख रही हूं बस रैंडमली, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, चलिए, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इज +3। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का सिंबल इज ओ एच, इट इज अ पॉलीएटॉमिक आयन और नॉट, पॉली मतलब मैनी, इन द एंटायर केमिस्ट्री पॉली विल स्टैंड फॉर मैनी, ठीक है। पॉली का मतलब मैनी, मैनी मतलब दो एटम्स आ गए, ज्यादा एटम्स आ गए हैं यहाँ पर, तो कीप इट इन ब्रैकेट। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी इज -1। -1, चलिए कर दीजिए क्रॉस, क्रॉसिंग, वन एंड थ्री विल बी आउट ऑफ द ब्रैकेट। तो ये क्या बना, ये क्या बन गया, AL OH होल थ्राइस, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ एसिड और बेस, कैसे पता चला ये बेस है, मैं ओ एच है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है कि वीक बेस होता है, ये इट्स अ वीक बेस अगेन, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक बेस, ठीक है। चलिए समझ आई ये चीज, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कोई मुझे ऑरली ऑरली मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बताएगा, ऑरली ऑरली माइंड में सोचो, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, मैग्नीशियम की वैलेंसी इज +2, राइट। कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी है, -2, तो वो तो कैंसिल हो गया, तो मैग्नीशियम का Mg बचेगा, कार्बोनेट का CO3 बचेगा, MgCO3। आई बेटा बात समझ, क्लियर हुआ।
चलो ये मुझे फटाफट से करके दिखाओ जरा, तीन चार ही है, जल्दी से करो, डू इट फास्ट। यस, किस किस का हो गया बेटा? ओके, 10th B में से हो गया काफी बच्चों का। यस, 10th B। हर्षदीप। आ जाइए बेटा। यस बच्चे, सिल्वर नाइट्रेट। बोलो, किया है? हाँ बेटा, माइक के पास आकर बोलो थोड़ा। इट्स AgNO3। गुड, सबको समझ आया ये कैसे बना AgNO3? कोई सिंगल स्टूडेंट जिसको नहीं पता लगा अभी भी AgNO3 कैसे लिखा गया? आ जाइए बेटा माइक के पास, सबको क्लियर है? गुड। चलिए, जिंक कार्बोनेट। हाँ जी, जल्दी से बताइए, क्लियर नहीं आई बेटा आवाज, नहीं ZN तक की सुना मुझे, आगे नहीं पता लगा बेटा क्या बोला। ZnCO3 ZN CO3 तू भी लगेगा, ये लगेगा पक्का? ओके गुड, नहीं आएगा। ठीक है, इट विल बी ZnCO3। +2 था और -2 था, वो खत्म, रिमूव हो गया। पोटेशियम नाइट्रेट। NO3, यस, KNO3। हाँ जी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। CO3, देखो, सोडियम का हो गया Na, हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3, यही था फॉर्मूला।
हाइड्रोजन कार्बोनेट इज HCO3, सोडियम प्लस वन और ये माइनस वन, तो क्रॉस करोगे तो क्या बना, वन, और यहां पर भी आया वन, तो ये वन और वन क्या हो जाएगा, रिमूव। ठीक है जी, तो ये बस ये बचेगा फॉर्मूला, ब्रैकेट्स भी आप हटा सकते हो क्योंकि वन लगा हुआ है, तो इट इज सिंपली NaHCO3। चलिए बेरियम सल्फेट, एसओ फोर, हाँ तो Ba और एसओ फोर, SO4, तो पॉलीटॉमिक था, ब्रैकेट में कर दो, ये प्लस टू ये माइनस टू तो कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपली क्या बचाइए, BaSO4। चलिए आगे, कॉपर टू नाइट्रेट, एनओ मैंने लिखा हुआ है वन। कॉपर प्लस टू नाइट्रेट इज NO3, ब्रैकेट में कर दो, नाइट्रेट इज माइनस वन, तो क्या बना, कॉपर, कॉपर के साथ वन और नाइट्रेट के साथ टू, कॉपर नाइट्रेट। ठीक है जी, एक और लिखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जल्दी से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH हाँ जी, मैग्नीशियम का Mg, हाइड्रोक्साइड का OH, पॉलीएटॉमिक, ब्रैकेट में यहां पर प्लस टू यहां माइनस वन, ठीक है, तो टू इधर Mg के साथ क्या जाएगा, वन, और हाइड्रोक्साइड के साथ आएगा टू। ठीक है, एक और लिखिए, पोटेशियम फॉस्फेट, पोटेशियम फॉस्फेट, A3PO4। पोटेशियम इज के, फॉस्फेट इज PO4, ब्रैकेट में आ जाएगा, पोटेशियम इज प्लस वन, फॉस्फेट इज माइनस थ्री। बेटा जिनको याद नहीं हुई वैलेंसी, कल ये सबको लर्न होनी चाहिए, आपके टेबल एम्प्टी होंगे बिल्कुल कल जब मैं ये सुनूंगी, ठीक है, बिल्कुल सबको लर्न होनी चाहिए अच्छे से। क्या बनेगा फॉर्मूला, थ्री ऊपर आ जाएगा के पास और वन चला जाएगा फॉस्फेट की तरफ, तो ये वन, तो वन हमें जरूरत नहीं होती, तो सिंपली आप K3PO4 लिख सकते हो, ठीक है, K3PO4। चलिए कैल्शियम फॉस्फेट, जल्दी से लिखिए कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 कैल्शियम फॉस्फेट, CA3PO4 यस, कैल्शियम इज सी ए, फॉस्फेट इज PO4 अगेन, कीप इट इन ब्रैकेट, ब्रैकेट नहीं भूलना, अगेन पॉलीएटॉमिक आयंस में आई एम रिपीटिंग, कैल्शियम इज प्लस टू, फॉस्फेट इज माइनस थ्री, थ्री जाएगा कैल्शियम के पास और टू आ जाएगा फॉस्फेट के पास। ठीक है बच्चे, चलिए अब मुझे लिख के दिखाइए, जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, चल SN वेरी गुड, यही उम्मीद थी मुझे पूरी पूरी, SO4 यस, SN ठीक है, एक चलते रहते हो बस, मैंने इसीलिए बीच में चेंज किया, अटेंटिव हो जाओ, आइड, इट्स आइड, तो सल्फाइड जिंक आ गया SZN, सल्फाइड आया S, इट इज नॉट सल्फाइड, इट इज नॉट सल्फेट,
इट इज सल्फाइड। ठीक है, दोनों की वैलेंसीज प्लस टू माइनस टू कैंसिल, तो ZnS बच गया। ठीक है, चलिए कैल्शियम नाइट्राइड लिखिए जरा। CaCN2 और नाइट्राइड कैल्शियम नाइट्रेट का CaNO3 twice. ठीक है बच्चे, ये मैं आपको इसलिए ऐसे लिखवा रही हूँ ताकि आपकी कंफ्यूजन, आइड और एट जब ऐसी चीजें आती है तो बी वेरी अटेंटिव कि कौन सा सिंबल आएगा। ठीक है, कैल्शियम नाइट्राइड इज एन एंड कैल्शियम नाइट्रेट इज NO3। ठीक है, तो कैल्शियम यहां पर क्या आ गया, प्लस टू। नाइट्राइड की वैलेंसी कितनी होती है बेटा, माइनस थ्री। यहां पर प्लस टू और नाइट्रेट की वैलेंसी कितनी होती है, हाँ माइनस वन। ठीक है, वन माइनस वन। तो देखो यहां डिफरेंस है, सल्फर वाले केसेस में तीनों के सेम है, सल्फाइड सल्फेट सल्फाइट, तीनों की वैलेंसी माइनस टू। बट नाइट्राइड और नाइट्रेट में फर्क है वैलेंसीज में, दिस डिफरेंस, कीप दीज थिंग्स इन माइंड। ठीक है, इज दिस क्लियर? सो यहां क्या फॉर्मूला बना देखो, Ca3n एंड हेयर द फॉर्मूला इज एज इट इज पॉलीएटॉमिक, कीप इट इन ब्रैकेट। तो ये बना CaNO3 फोर ट्वाइस। ऊपर एन के साथ टू आएगा, हाँ जी बच्चे, किसका बराबर है? नाइट्राइड CaN2। हाँ, बिल्कुल, टू टू टू, सॉरी, CA3N2। आई होप ये क्लियर हो गया बेटा, फॉर्मूला मेकिंग कोई भी फॉर्मूला लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी कल देखते हैं ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर टू का देखो जरा अभी, वैसे टाइम हो गया आपकी क्लास का, क्वेश्चन नंबर टू देखो जरा, कर सकते हो आप इजीली। चल एक बार फटाफट से पॉलीएटॉमिक आयंस वैलेंसीज के ऊपर नजर मारो, मैं जल्दी से सुनूंगी किसी से, पॉलीएटॉमिक आयंस की सारी वैलेंसीज और सिंबल्स देख लो एक बार फटाफट से। और कल ये तीनों कॉलम्स, प्लस वाला माइनस वाला और पॉलीएटॉमिक आयन वाला, सबको अच्छे से लर्न होना चाहिए। बैलेंस भी और बैलेंस का सही है, रिएक्शन भी बता है। कर लिया बेटा सबने रिवाइज? यस, क्लास 10th थी। और चल 10th A से बुलाते हैं, पवित सिंह। सारी क्लास हिलने लगी, कौन है पवित? तो वो हिला नहीं है, बाकी सब हिल रहे हैं, अभी किया नहीं। लर्न नहीं किया। चलो पहले तो किया था लर्न, कुछ तो याद होगा, इतने तो मैंने करवा भी दिए। चलो नाइट्रेट की बताओ जरा क्या होती है वैलेंसी।
माइनस वन। एक्स वन। अमोनियम की बताइए क्या होती है? प्लस वन। प्लस वन। ओके सल्फेट की बताइए क्या होती है? पेड़ दी माइनस टू। देख देख के बोली जा रहे हो। हाँ चलो अभी कल सुनूंगी मैं सबसे, ठीक है? अच्छे से लर्न होना चाहिए सबको। चलिए बाय एवरीवन। समझ आ गया होगा मुझे लग रहा है कुछ तो, आज किस किस को समझ आ गया? चलो ठीक है, कल जब इक्वेशंस करके दिखाओगे ना अपने आप, तब पता लगेगा मुझे कितना समझ आए। ठीक है रिवाइज कर लेना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, मजाक वाली बात नहीं है। आपके केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स अगर ये रिएक्शंस, ये वैलेंसीज फॉर्मूलास कर लोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ठीक है सीधा क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड में, पूरा वर्ड प्रॉब्लम की तरह इक्वेशन का क्वेश्चन आता है, और जब तक नहीं आएंगे फॉर्मूलास तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है चलिए बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू सो मच टीचर्स। Gracias.